हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं आज हुंडई i20 स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में, और जुड़े रहिए हमारे अकरम कार टेक्निकल चैनल के साथ। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कार में जो हमारी इंजन चेक लाइट आ रही है, और कस्टमर की कंप्लेंट है कि इंजन की चेक लाइट आ रही है और कार की हल्की सी स्टार्टिंग भी लेट है और पिकअप थोड़ा डाउन जा रहा है और हल्की जो है नॉकिंग भी कार कर रही है। और तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। इसमें OBD डिवाइस भी हम लगा करके आपको दोस्तों दिखाएंगे। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और ये देख लीजिए, ये हमारी हुंडई i20, और ये हमने कार को स्टार्ट कर लिया है। ये देख लीजिए, ये चेक लाइट आ रही है, इंजन चेक लाइट भी बोलते हैं इसको, MIL लाइट भी बोलते हैं। लेकिन ये क्यों आ रही है, क्या रीज़न है इसका आने का, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देख लीजिए, कार को जो है मैंने स्टार्ट कर रखा है और हल्की इसमें जो है मिसिंग भी दिखा रही है कार। और दोस्तों, अब जो है मैं इसमें OBD डिवाइस लगाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें OBD डिवाइस किस तरह से इसमें जो है वर्क करती है। i20 का जो है आज काम करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। मीटर पे चेक लाइट जो आ रही है वो मैंने आपको दिखा दी है, और हमारे पास ये देख लीजिए आप, ये OBD डिवाइस है, और ये हमने जो है ऑनलाइन परचेज़ की थी, और बहुत ही अच्छा जो है मतलब इसका परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ही अच्छा ये वर्क करती है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं जो है इसमें OBD लगाऊंगा, OBD लगाने के बाद जो है कोड चेक करूँगा क्या कोड इसमें दिखा रही है। और जो है ये देख लीजिए, अब ये OBD डिवाइस में लगाने वाला हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों, हमको ये जो फ्यूज़ बॉक्स और OBD डिवाइस का ये कवर हमने हटा देना है। हटाने के बाद ये हम OBD इसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको अब हम जो है कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से पहले हमने इसका इग्निशन ऑन कर देना है। और ये देख लीजिए, मैं इसको पुश बटन को दो बार दबा करके इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद जो है ब्लूटूथ से हमारी ये डिवाइस जो है कनेक्ट हो जाती है, और ECM का सारा डाटा जो है हमारे मोबाइल के अंदर आ जाता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देख लीजिए, ये हमारा कनेक्ट टू ECU, ओके, यानी ECM हमारा इसमें जो है कनेक्ट हो चुका है। फोल्ड कोड में जा रहा हूँ, फोल्ड कोड में जाने के बाद 100 में जाऊँगा, और 100 में जाने के बाद दिखाऊँगा इसमें क्या चीज़ कोड आ रहा है और इस कोड से रिलेटेड। ये देख लीजिए, P0203 जो है इसका कोड है, और इसमें ये दिखा रहा है इंजेक्टर सर्किट सिलेंडर नंबर 3, यानी इंजेक्टर का जो सर्किट है सिलेंडर नंबर 3 से इसका या तो डिसकनेक्ट होगा या वायरिंग वगैरह होगी या क्या होगा, फिर फिलहाल जो भी हो। लेकिन एक बार में जो है इसको इंटरनेट से जो है ऑनलाइन भी सर्च मार लेता हूँ क्या क्या इसमें और फॉल्ट आ सकते हैं, मतलब किस तरह से, तो वो भी चीज़ में जो है इसमें सर्च मारने वाला हूँ। और ये देख लीजिए, गूगल पे इसको जो है एक बार मैं सर्च मार रहा हूँ दोस्तों। सर्च मारने के बाद इसमें देखूँगा क्या क्या इसमें जो है मतलब फॉल्ट दिखाएगा, और उसके बाद ही उस हिसाब से मैं इसमें काम करूँगा। और ये देख लीजिए, ये मैंने इसका जो है पेज ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अब मैं इसमें केसेस में अब देख रहा हूँ बैड इंजेक्टर, और दूसरा इसका दिखा रहा है ओपन इन द वायरिंग द इंजेक्टर टू इंजेक्टर शॉर्ट इन द वायरिंग टू द इंजेक्टर बेड PCM, यानी इंजेक्टर की वायरिंग वगैरह या कुछ ना कुछ उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से हमारा इंजेक्टर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और उस कंडीशन में कार हमारी जो है स्टार्टिंग लेट कर रही है और मिसिंग भी हल्की जो दिखा रही है, तो वो भी मैं जो है दोस्तों चेक करूँगा। और मैं इसको बैक करके एग्जिट ऑनली कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा फिर मैंने इसमें जो है कनेक्ट करके DTC वगैरह भी इरेज करनी है। और ये देख लीजिए, एक बार 100 कॉल में आ करके मैं फिर देख रहा हूँ। P0203 जो हमारा कोड है इंजेक्टर सर्किट सिलेंडर नंबर 3, तो अब मैं जो है इसका चेक करने वाला हूँ। और ये देख लीजिए, इग्निशन ऑफ़ कर देता हूँ। इग्निशन ऑफ़ करने के बाद जो है मुझे इसकी बैटरी की टर्मिनल भी निकाल देनी है, और ये सबसे पहले मैं इसका कवलर निकालूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय बैटरी की टर्मिनल वगैरह भी हटा देनी चाहिए। और ये देख लीजिए दोस्तों, वाकई जो है इसके इंजेक्टर के वायर किसी चूहे ने जो है इसको काट दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं चूहे। और मैंने एक वीडियो भी दोस्तों जो बना रखी है कि ब्लोअर के अंदर ना आए चूहे, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना करके डाल रखी है। और ये देख लीजिए, अब मैं इसकी जो है इंजेक्टर की वायरिंग की रिपेयरिंग करने वाला हूँ। उससे पहले जो इसकी बैटरी की टर्मिनल जो है निगेटिव टर्मिनल हटा देता हूँ, ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा जो है काम करना बंद कर दे और कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें, क्योंकि माइनर से भी दोस्तों शॉर्ट सर्किट वगैरह होने से
ईशियम वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, या वायरिंग वगैरह भी कहीं ना कहीं से जो है शॉर्ट हो सकती है, या फ्यूज़ वगैरह भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमने बैटरी के टर्मिनल जो है इसकी निकाल दी है। ये सेफ्टी फ्यूज़र है हमारा, सेफ्टी से रिलेटेड जो है बैटरी के टर्मिनल आप निकालें कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क करें या सर्विसिंग वगैरह करें। और ये देख लीजिए किस तरह से जो है चूहे ने इसकी बुरी हालत कर दी है, खा गया। दोस्तों जब भूख लगती है तो खा ही जाता है वो कुछ ना कुछ, उसके लिए तो कोई प्लास्टिक नहीं कोई कुछ नहीं। और ये देख लीजिए मैंने सेंसर जो है निकाल सॉरी कपलर निकाल के आउट कर दिया। अब मैं इसकी वायरिंग को जो है अच्छे से बनाने वाला हूँ दोस्तों। और ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली जो इसकी वायरिंग मैंने इसकी लगा दी है, रेड कलर की वायरिंग लगा दी। और दोस्तों ब्लैक कलर की मेरे पास वायरिंग नहीं थी, उसकी जगह मैंने हरी वायरिंग जो है इसमें लगाई है ग्रीन कलर की। और मैं इसको जो है रेड वाली को रेड में जोड़ूंगा और ग्रीन वाली को ग्रीन में जोड़ूंगा। ये देख लीजिए वायरिंग जोड़ने का एक छोटा सा आसान सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप वायरिंग जोड़ें ताकि आप प्रॉपर जो है लूज़ पॉइंट बिल्कुल वायरिंग का ख़त्म हो जाए, और अच्छे से इसकी टेपिंग करें। ये देख लीजिए किस तरह से जो है इसकी वायरिंग को मिलाया जाता है बहुत ही। इससे क्या होता है दोस्तों प्रॉपर जो है करंट पूरी लाइन में चलेगा और कहीं से शॉर्ट सर्किट या लूजिंग पॉइंट हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। वायरिंग को जो है आपस में मिलाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिए मैंने दोनों को जो है अच्छे से टेपिंग कर दिया, टेपिंग कर रहा हूँ। और टेपिंग करने के बाद मैं इसको लगाऊंगा फिर। दोस्तों जब भी वायरिंग का आपने काम करना है तो सबसे पहले बैटरी की निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल आपने जो है हटा देनी है। और ये देख लीजिए मैंने इसको जो है कम्प्लीटली लगा दिया, और लगाने के बाद मैं इसका कपलर जो है इंजेक्टर में आराम से जो है बिठा देता हूँ। और ये देख लीजिए मैंने इंजेक्टर का जो है कपलर बिठा दिया है। और बिठाने के बाद अब मैं जो इसकी बैटरी की टर्मिनल वगैरह लगा करके इसमें आगे चेक करूँगा कोई और फॉल्ट तो नहीं है। और ये देख लीजिए दोस्तों अब जो है मैं कार में बैठता हूँ। कार में बैठने के बाद इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट मैंने जो है गाड़ी कर दी, लेकिन दोस्तों मीटर पे से अभी भी चेक लाइट नहीं गई, आप देख लीजिए। यानी हमारी जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारा मेन इशू था स्टार्टिंग प्रॉब्लम का, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। और ये देख लीजिए एक्सेलेटर भी कार हमारी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से पकड़ ली है, लेकिन अभी मीटर की जो चेक लाइट ये ख़त्म नहीं हुई है। और कस्टमर के माइंड में हमेशा ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, तो हमने इसको क्लियर करने के लिए दोबारा हमने अपनी OBD जो है डिवाइस इसमें कनेक्ट करी। और फॉल्ट कोड में जाकर के पहले हम 100 में देखेंगे, 100 फॉल्ट मतलब करंट में क्या कोड दिखा रहा है। और ये देख लीजिए अभी भी P0203 कोड दिखा रहा है, लेकिन हम इसको अब क्लियर करते हैं डिवाइस से अपनी हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद जो है फिर आगे देखेंगे इसके ट्रायल वगैरह भी करेंगे इसका। और ये देख लीजिए दोस्तों हमने जो है इसका क्लियर कर दिया है एक दो बार हम, और इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद कभी भी दोस्तों आपने अगर कोई भी कोड आपका क्लियर करना है तो इग्निशन ऑन करने के बाद ही इसका क्लियर कोड होता है, स्टार्टिंग पे आप कभी ना करें। तो ये देख लीजिए नो फॉल्ट कोड सॉर्टेड इन ECU 34, यानी ECM में अब कोई इसका करंट में कोई कोड नहीं है। अब मैं कार स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ कार की जो है दोस्तों, मैं ट्रायल भी करूँगा। और ट्रायल करने के बाद ये देख लीजिए मैंने कार की इसके ट्रायल भी करी है दोस्तों। मैंने आपको ट्रायल करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसकी ट्रायल कर ली है। और एक दो बार मैं इसको और कस्टमर के साथ में जो स्टार्ट वगैरह करके देख लेता हूँ ताकि कोई मीटर पर आप चेक लाइट वगैरह तो नहीं आ रही हो। देख लीजिए दोस्तों। अच्छा, और दोस्तों ये गाड़ी हमारी जो है कम्प्लीट हो चुकी है, और ये हमने OBD डिवाइस इसमें से निकाल दी है। ये 800 रुपये का आइटम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल का है। और ये हमारे भानुदा हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।